नमस्कार, आप सभी को जय माता की। और आपको बता दें कि हम रुड़की के दुर्गा चौक पर, और आपको जैसे कि पता है हरिद्वार विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मनोज कौशिक जी हैं, और यहाँ दुर्गा चौक पर माँ नवरात्रों के जो 9 दिन में यहाँ पर माँ आरती होती है उसको लेकर वह हरिद्वार से आज रुड़की पहुंचे हैं। क्या आशीर्वाद उन्होंने यहाँ पर माँ से लिया है और क्या मनोकामना उन्होंने माँ भगवती से करी है, ये जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आप रुड़की दुर्गा चौक पर पहुंचे हैं, क्या आशीर्वाद लिया, क्या मनोकामना मांगी आपने? आज दुर्गा मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत ही भव्य आरती शाम को होती है। इस आरती में भाग लिया, भगवती माता से प्रार्थना की कि हमारा राज्य सुख समृद्ध बने, निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े, देश हमारा खुशहाल हो, इसी प्रार्थना के साथ माता जी की आरती की। अच्छा, जिस तरह से देख रहे हैं भाई, बताया जा रहा है कि नवरात्रों के बाद और दशहरे से पहले मतलब के बीच में ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होने जा रहा है, तो क्या इस तरह का उस बारे में कुछ प्रकार डालेंगे? आपका नाम आ रहा है मंत्रिमंडल में क्या? मेरी जानकारी नहीं है, वो तो सारा मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है। बाकी पार्टी में कभी भी हमेशा निरंतरता में काम करते रहना है, जो भी होगा जिम्मेदारी उसमें आगे बढ़ेंगे। 2024 को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं को? 2024 भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें उत्तराखंड राज्य की जीतेंगे, 5 पर हमारा संगठन मजबूत है, 5 राज्य 19 से भी अच्छे मतों के साथ हम आगे बढ़कर जीतेंगे। अच्छा, हरिद्वार से लगातार भाई बात चल रही है कि मदन कौशिक जी इस बार भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट होने जा रहे हैं, क्या सच है ये? नहीं, देखिए, ऐसा कोई पार्टी में कोई तय नहीं होता, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करती है, उस समय सभी लोग मिलकर कोई भी प्रत्याशी आएगा उसी को जिताएंगे। धन्यवाद।